हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आरोह पद्य भाग में पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्ति बोध जी। आइए सबसे पहले हम कवि परिचय जान लें। गजानन माधव मुक्ति बोध जी का जन्म 13 नवंबर सन 1917 शिवपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक की डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हुआ था। हमारी हार का बदला चुकाने आएगा संकल्प धर्म चेतना का एक रक्त प्लावित स्वर, हमारे ही हृदय का गुप्त स्वर्णाक्षर प्रकट होकर विकट हो जाएगा। हार का बदला चुकाने वाले संकल्प धर्म कवि मुक्ति बोध का पूरा जीवन संघर्ष से बीता। उन्होंने 20 वर्ष की छोटी उम्र में बड़नगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। तत्पश्चात शुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर, राजनांदगांव आदि स्थानों पर मास्टरी से पत्रकारिता तक का काम किया। कुछ समय तक पाठ पुस्तकें भी लिखी। छायावाद और स्वच्छंदतावादी कविता के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध उसके अगुआ कवियों में से एक थे। मराठी संरचना में प्रभावित लंबे वाक्यों ने उनकी कविता को आम पाठक के लिए कठिन बनाया, लेकिन उनमें भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अटूट थी, जैसे कोई नैसर्गिक अंतःस्रोत हो जो कभी चुकता ही नहीं, बल्कि लगातार अधिक से अधिक वेग और तीव्रता के साथ उमड़ता चला आता है। यह ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण कर लेती हैं। मुक्तिबोध की रचनात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा अंश आलोचनात्मक लेखन और साहित्य संबंधी चिंतन में सक्रिय रहा। वे एक समर्थ पत्रकार भी थे। इसके अलावा राजनैतिक विषयों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तथा देश की आर्थिक समस्याओं पर लगातार लिखा है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने शब्दों में उनकी कविता अद्भुत संकेतों भरी, जिज्ञासाओं से अस्थिर, कभी दूर से शोर मचाती, कभी कानों में चुपचाप राज की बातें कहती चलती रहती हैं। हमारी बातें हमको सुनाती हैं, हम अपने को एकदम चकित होकर देखते हैं और पहले से अधिक पहचानने लगते हैं। आइए अब हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। मुक्तिबोध की कविताएं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी कि खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सब दुख सुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली, प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती है, उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया था। कुछ इस तरह स्वीकारा कि आज तक वह सामने नहीं भी है तो भी आसपास उसके होने का एहसास है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा भी खिलता वह चेहरा है। चूंकि यह एहसास आप्लावनकारी है और कविता का मैं इसकी भाव प्रवणता के निजी पक्ष से उबर कर सिर्फ विचार की तरह उसे जीना चाहता है, क्योंकि वह बृहत्तर विश्व की गुत्थियां सुलझाने में उनकी मदद करेगी।
वह दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है। सहज स्नेह की ऊष्मा जब विरह में अग्निशिखा सी उद्दीप्त हो उठती है, थोड़ी थोड़ी सी निसंगता भी एकदम से जरूरी हो आई है और वह चाहने लगा है मोह मुक्ति, चाहने लगा है कि भूलने की प्रक्रिया एक अमावस की तरह उसके भीतर इस तरह घटित हो कि चांद जरा सा ओट हो ले, अंधेरे में सामना हो तो चित्त को ताकत मिले। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब अंदर एक अज्ञात भय भी कायम करता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती है, सहलाती है आत्मीयता, ये बर्दाश्त नहीं होती। दृढ़ता और तद्जन्य कठोरता भी बड़े मानव मूल्य हैं, इसलिए भूल जाना भी एक कला है। अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, हर समय की भावाद्रता भी कमज़ोर करती है, अतिशय प्रकाश से आंखें चौंधिया जाती हैं, इसलिए किसी हद तक बरेड़े है अंधेरा भी, विस्मृति का अंधेरा। आदमी हरदम सब कुछ याद करता चले तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। अब आगे देखिए, कविता देखिए कि जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी या ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सरिता यह अभिनव, सब मौलिक है मौलिक, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, आपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इसमें शब्दार्थ देखिए, सहर्ष में खुशी खुशी, गर्बीली गरीबी ऐसी निर्धनता जिस पर गर्व हो, विचार वैभव यानी विचारों की समृद्धि, दृढ़ता मजबूती, भीतर की सरिता यानी आंतरिक स्नेह की तरलता, अभिनव नवाचारी, मौलिक असली, संवेदन संवेदना, सोता उद्गम। इसकी व्याख्या देखिए, नई कविता के कवि मुक्तिबोध जी अपनी इस कविता की शुरुआत करते हुए अपनी माता को इसलिए कि कविता के उत्तरार्ध में मुक्ति ममता शब्द का उपयोग करते हैं, को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे इस जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, उसे मैंने पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। वह इस कारण से कि जो कुछ भी मेरा है, चाहे वह अभाव हो या संघर्ष ही क्यों ना हो, वह सब तुम्हें प्यारा है, और जो तुम्हें प्रिय लगता है वही मेरे लिए प्रसन्नता का सबसे बड़ा कारण बन गया है। फिर मुक्तिबोध जी ऐसी चीज़ों को सिलसिलेवार प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि उनके जीवन में ऐसी निर्धनता है जिस पर गर्व किया जा सके। गर्व इसलिए कि स्वाभिमान के साथ जीने का सुख इसमें निहित है। अभावों के चलते मिलने वाले जीवन के जो गंभीर अनुभव हैं, विचारों की जो संपन्नता है, विचारों की संपन्नता के कारण उससे मिली हुई जो आंतरिक मजबूती है और हृदय में उमड़ने वाली प्रेम की जो अविरल नदी है, ये सभी हमारे अपने निजी हैं, स्वयं की हैं, नवाचारी हैं, खुद के अनुभवों से इन्हें हमने अर्जित किया है, कहीं से नकल करके नहीं पाया, वह सब हमारा ही है। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में जो सत्य है, हर दिन हमारे साथ जो घटित होता है, लगातार होता रहता है, उन सब में माँ तुम्हारी ही तरल संवेदना बसी हुई है। तुम मेरे हर दुख सुख में आत्मा से सहभागिनी हो, इसलिए इन सब चीज़ों के प्रति मेरे मन में स्वीकारने का भाव है, प्रसन्नता के साथ ग्रहण करने की चाह है।
मुक्तिबोध जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरा ना जाने कैसा रिश्ता कैसा नाता है कि मैं तुम पर अपने अंदर के प्रेम को जितना ज़्यादा प्रकट करता हूँ, तुम पर अपने प्रेम के जल को जितना ज़्यादा उड़ेलता हूँ, उसे व्यय करता हूँ, मेरा हृदय और भी अधिक प्रेम नद से भर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वहाँ पर प्रेम का सतत बहने वाला कोई झरना ही है, या फिर मीठे और शीतल जल का कोई स्रोत बसा हुआ है। वह कभी खत्म नहीं होता, खाली ही नहीं होता, उसकी निरंतरता कभी नहीं टूटती। इधर मेरे अंदर जो प्रेम का ऐसा अटूट प्रवाह है, और उधर आकाश में जैसे चंद्रमा रात भर अपनी चांदनी बरसाता रहता है, ठीक वैसे ही माँ तुम्हारा चेहरा मुझ पर स्नेह की असमाप्त वर्षा करता रहता है। पदलालित देखिए, कविता की भाषा सरल और आवश्यकता अनुसार प्रांजल है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर उपमा अलंकार है। दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है मौलिक, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, इसमें संदेह अलंकार है। जितना मैं उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। और इसमें विशेष देखिए कि कवि ने अपने माता के संबंधों को विश्लेषित करने की कोशिश की है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, छेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, ये सभी यह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। जब तक जिंदगी में जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है। शब्दार्थ देखिए, दक्षिण ध्रुवी अंधकार यानी अमावस्या, लंबी अवधि तक लगातार छाया रहने वाला अंधेरा, परवेष्ठित मतलब गूंथा हुआ, आच्छादित छाया हुआ, रमणीय सुंदर, पिराती है दर्द देती है, भावितव्यता भविष्य में घटने वाली घटनाएं, पाताली भूमि के अंदर गुहाओं में यानी गुफाओं में, विवरों में, कंदराओं में। व्याख्या देखिए, यहाँ से मुक्तिबोध जी की कविता का उत्तरार्ध आरंभ होता है। यहाँ पर पूर्वार्ध की भूमिका पूरी होती है, कविता का वास्तविक कथ प्रारंभ होता है। वे अपनी माता के सघन वात्सल्य और तरल आत्मीयता से मुक्त होने की कामना करते हैं, ताकि पारिवारिक निजता से निकलकर सामाजिक व्यापकता में पहुंच सकें और अपने बृहत्तर दायित्वों को पूरा कर सकें। भावुकता का निजीपन, एक सजग मनुष्य का संसार के प्रति जो सरोकार होना चाहिए उससे रोकता है, बाधा पैदा करता है, दायरा बनाता है। कवि मुक्तिबोध जी अपनी दिवंगत माँ से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे सजा दीजिए, श्राप दीजिए कि मैं आपको भूल जाऊं, आपको भूल जाने रूपी अनंत अंधकार वाली अमावस्या में डूब जाऊं। कवि मुक्तिबोध जी अपनी दिवंगत माँ से अनुरोध करते हैं कि आप मुझे सजा दीजिए, श्राप दीजिए कि मैं आपको भूल जाऊं और आपको भूल जाने रूपी अनंत अंधकार वाली अमावस्या में डूब जाऊं। कवि कहना चाहते हैं कि भावुकता से निकलकर भूल जाने की प्रक्रिया उसके अंदर इस तरह से घटित हो कि वह चंद्रमा जो अपने प्रकाश से कवि
को सदा नहलाता रहता है, अब ज़रा ओट में चला जाए, किनारा कर ले, ताकि कवि की अंधकार के साथ मुठभेड़ हो सके। मुठभेड़ हो तो ताकत बढ़े, क्षमता आए, अपने आप पर भरोसा बने, वह कठिन समय से लड़ सकता है। भावुकता तो लिजलिजापन देती है, लड़ने में अक्षम बनाती है, आत्ममुग्धता ले जाती है। वे कहते हैं कि माँ के अपार स्नेह और संरक्षण का भाव मेरे भीतर भय की रचना करता है, मेरी पर निर्भरता को बढ़ाता है। तुम्हारे प्रेम की पूर्णिमा असह हो जाती है, मैं इसकी मुक्त चाहता हूँ। ममता रूपी बादलों की कोमलता ही मेरे लिए दर्द बन गई है, पीड़ा हो गई है, मेरे अंतरतम में चुभने लगी है। आपके प्रेम और भावनाओं की घनी छाया में रहकर मेरी आत्मा कमज़ोर हो गई है, अक्षम हो गई है। उह पोह से भरी छाती भविष्य में घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगाकर भयभीत हो जाती है। आपकी यह आत्मीयता जो चाहती है मुझे संसार की जटिलताओं से बेखबर बनाए रखना चाहती है, जो मुझे अपने कोमल स्पर्श से सहलाकर उन विपदाओं से दूर रखना चाहती है, वह अब और नहीं सहन होता, बर्दाश्त नहीं हो पाता। मुक्तिबोध अपनी माता से अनुरोध करते हुए कहते हैं कि आप मुझे यह दंड दो कि मैं ऐसे घने अंधकार में खो जाऊं जैसा कि धरती के नीचे गहन पाताल में होता है, गुफाओं में होता है, कंदराओं में होता है। उनके इस भाव का तात्पर्य यह है कि हालांकि भूल जाना एक प्रकार का दंड ही है, पर मैं उसे पुरस्कार मानकर पाना चाहता हूँ। वे विस्मृति के कुहासे में गुम हो जाने की प्रार्थना कर रहे हैं। कवि दोहराते हैं कि मेरे लापता हो जाने पर भी तो तुम्हारा ही सहारा मेरे पास रहेगा। विस्मृति में भी स्मृति का अंश रहता ही है, पूर्ण विस्मृति नहीं होती। वे कहते हैं कि जो कुछ मेरा है या जो ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरे जैसा ही है, मेरा जैसा होता हुआ संभव लगता है, यह सब तुम्हारे ही कारण है। तुम्हारे कार्यों का ही ये घेरा है, तुम्हारे कार्यों की समृद्धि का ही फल है। अब तक जीवन में जो कुछ था और जो कुछ भी है वह सब मैंने प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो कुछ मेरा है वह सब तुम्हें प्यारा है। कवि की भाषा सहज और आवश्यकता अनुसार प्रांजल है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूलूं, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। और विशेष में देखिए, कवि माता के गहन ममत्व से निकलकर संसार के प्रति अपने दायित्वों के निर्वाह के बारे में चिंता कर रहे हैं। अब यहाँ से प्रश्नोत्तर शुरू होता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर एक है, टिप्पणी कीजिए, गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। इसका उत्तर देखिए, गर्बीली गरीबी निर्धनता पर लज्जित होने के बजाय गर्वित होना, क्योंकि निर्धन होने पर भी स्वाभिमान जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। भीतर की सरिता, कवि ने अंदर अपने अंदर प्रवाहित स्नेहपूर्ण भावनाओं को नदी कहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, आत्मीयता का प्रेम पूर्ण भाव मन को बहलाता है, सांत्वना देता है। ममता के बादल, माता की ममता बादलों की तरह शीतलता प्रदान करती है, कुहासे में घेरती है, उमस पैदा करती है। प्रश्न नंबर दो देखिए, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। उत्तर देखिए, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, दक्षिण ध्रुव पर 6 माह तक अंधकार रहता है, कवि ने इसे ही दीर्घ अमावस्या संबोधित किया है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, व्याख्या कीजिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, बेहतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। इसका उत्तर देखिए, व्याख्या खंड देखिए, इसका
वे अपनी माता के सघन वात्सल्य और तरल आत्मीयता से मुक्त होने की कामना करते हैं, ताकि पारिवारिक निजता से निकलकर सामाजिक व्यापकता में पहुंच सकें और अपने बृहत्तर दायित्वों को पूरा कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं झेलू मैं उसे मैं नहालू मैं इसलिए कि तुमसे ही परवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय एक उजेला अब सहा नहीं जाता का। देखिए यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है। इसका आंसर है कि यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण इस्तेमाल किया गया है। ऐसा करने से अंधकार की सघनता को कवि ने विराट बना दिया है। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है? कवि ने स्वयं को माता के स्नेह के उजाले से दूर रहने की स्थिति को अमावस्या कहा है। देखिए इस स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है? इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है कि इस स्थिति में ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति इस तरह कविता में व्यक्त हुई है, परवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाला शब्द है रमणीय या उजेला। कवि इसे माता के स्नेह का प्रकाश कहकर प्रस्तुत करते हैं। प्रेम में प्रकाश होता है आत्मीयता का, संतोष का, लगाव का। देखिए कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है? रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। कवि ने भूल जाने के लिए इन दुखों का ही सहारा लिया है। वह कहता है कि इस सर्वहारा वर्ग के अंतहीन दुख अब मुझे दुखी करने लगे हैं, मैं इनसे ऊब गया। जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव में अमावस्या 6 मास चांद को ढक लेती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि स्वार्थ और सुख का उजाला अपने चेहरे पर ग्रहण कर लें, क्योंकि अब मुझसे यह न खत्म होने वाला शोषण देखा नहीं जाता है। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।